बहुत ही सुंदर काम किया तुमने, बहुत ही सुंदर काम किया, तेरे बीवी का काम तुमने बढ़ाया। ओ, ये क्या हुआ? तुमने तुम्हारे डॉग के पूछ को कलर किया। क्यों? हाय गाइस, आप सब कैसे हो? मैंने होम रेमेडीज अभी छोड़ दिया है, मुझे नहीं करना है। मैं एक नया करियर स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि रिएक्शन का। काफी सारे लोगों को पता नहीं है, बट मेरा और भी एक चैनल है जो इंग्लिश में है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो। बट इसमें मैं हिंदी करने वाली हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, तो इस वजह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आई थिंक आपको पसंद आएगा। मे बी हम चलते हैं पहले वाले में। सेव कटर, ये मेरे पास भी है। ये क्या हुआ? ये पफ है, ये पफ सेब से भरे हुए पफ है जो मीठे होते हैं, यू नो स्वीट। ये तो मुझे बिल्कुल पफ के जैसे ही लग रहे हैं, बट ये स्वीट होते हैं। हम जो पोटैटो के फिलिंग वाले खाते हैं, ये लोग एप्पल के फिलिंग वाले खाते हैं। कितना अच्छा होता अगर इस तरह से हम फटाफट से पफ बना लेते। इस तरह से खा के सीधा बन जाता, कितना आसान होता। जिंदगी कितनी आसान होती अगर ये होता तो, पर इतनी आसान ही नहीं है। क्या करे, बाहर से आवाज क्या है। मैं ये कर्टन्स नहीं खोलने वाली, बस दैट्स इट। ओके, इसमें आपको पता करना है कि कौन सा वाला ड्रोन किया हुआ है और कौन सा वाला रियल है। तो मुझे तो ये वाला लगता है क्योंकि ऑब्वियसली सभी लोगों को वही लगेगा। अब लोगों का क्या लगता है, कमेंट डाउन एंड टेल मी राइट नाउ। मैं अपने पैसे इस पे डालने वाली हूँ, देखते हैं कौन सा वाला ड्रोन है। पता था उसका, डेफिनेटली पता था। और बीच वाले का ये क्या हुआ? ऐसा कौन सा टैलेंट भगवान ने तुझको दिया कि तूने ये किया? मेरे से भी तो इमोजी भी नहीं होता, इनसे तो ये होता है। भगवान इसको क्यों तुमने टैलेंट दिया और मुझको क्यों नहीं दिया? मेरे पास एक टैलेंट है बातें करने का, मुझे बातें बहुत करना पसंद है। पर मेरा हस्बैंड जो है ना, वो बिल्कुल बात नहीं करता, बिल्कुल भी। उसके भेजे में मेरी बात जाती ही नहीं है, मैं क्या करूँ? पर इसके जैसा टैलेंट मेरे को था पहले, अब मेरे में टैलेंट ही नहीं रहा। अब मेरे से ये इमोजी भी नहीं बनता। क्या लाइफ में जी रही हूँ विदाउट एनी टैलेंट? ये तो कैक्टस है, क्यों हिल क्यों रहा है? कैक्टस हिलते हैं? मुझे नहीं लगता कैक्टस कभी हिलते हैं। या हिलते या नहीं हिलते, या हिलते नहीं हिलते, मुझे पता है नहीं हिलते। ये कैक्टस क्यों हिल रहा है? ये कैक्टस क्यों हिल रहा है? मुझे नेट पे सर्च नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया है जो इंग्लिश में है। अगर आपको देखना है तो गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड देखो। यह कैक्टस इसलिए हिल रहा है क्योंकि इसमें एक डिजीज है जो कैक्टस अंदर से रॉट को। हिंदी में मेरा हिंदी बहुत ही ज्यादा कच्चा है क्योंकि मुझे हिंदी आती ही नहीं है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, मेरा हिंदी बहुत कच्चा है, मेरा इंग्लिश परफेक्ट है। ये अंदर से सड़ जाता है, इस वजह से ये पानी का टेक्सचर अंदर होता है और इस वजह से ये जेली जैसा हो जाता है। आपको पता है ना मैं क्या बोल रही हूँ? अगर नहीं पता तो आए, मेरे से इतना ही अच्छा हिंदी होता है, इससे ज्यादा हिंदी अच्छा मेरा नहीं है। आई एम सो सॉरी। जापानीज टॉयज आर एक्चुअली इनसेन। जापानीज के टॉयज क्यों इनसेन है? ओए, ये तो ट्रांसफॉर्मर्स है। जैसे कि रियल में दो अलग अलग कार एक होके एक घोड़ा बनाता है। ये घोड़ा ही है ना, इसका सींग क्यों यहाँ पर? घोड़े के सींग नहीं होते ना, घोड़े के सींग नहीं होते। ये फाइनल बात है। तो इसका क्यों सींग नहीं? इसका पंख भी है, वो क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न। ये यूनिकॉर्न है जो उड़ता भी है, यूनिकॉर्न सच में नहीं होता। दो अलग अलग कार ले लो जापान से, उसको मिक्स करो, कुछ तो होगा। मुझे ये वाकई में बहुत पसंद है। ये तो सिक्के, ये सिक्के है गाइस, देखो सिक्का तैर रहा है। वाह, जैसे कि कैसे तैरते हैं देखते हैं। ये है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जब ब्रेक नहीं होता है ना, तब सब कुछ तैरता है उसको, बट ऐसा चीज नहीं तैर सकता, ना ही ये सब चीज, ना ही ये चीज। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो तैरता है। जैसे कि हम कभी कभार मच्छर को देखते हैं पानी के ऊपर तैरते हो, स्लाइड करके करते हुए जाते हैं, अगर आपने देखा हो तो वो इसलिए क्योंकि वो सरफेस टेंशन को ब्रेक नहीं करते, उस वजह से दे फ्लोट। सर ये सिक्के क्यों तैर रहे हैं मुझे नहीं पता, भगवान का वरदान। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद आया, इसमें क्या टैलेंट है? एक फुगे के अंदर दूसरा फुगा, और उस फुगे के अंदर के उस फुगे के अंदर के एक फुगा, और वो चौथे वाले में भी जाने वाली थी पर चौथा नहीं हुआ उससे। ये कैसे करते हैं ये लोग? एक बलून फुलाया, दूसरा बलून उसके अंदर ही फुला दिया, तीसरा बलून भी उसके अंदर ही फुला दिया। क्या टैलेंट है लेडी, आपके पास क्या टैलेंट है? मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। ये यूट्यूब का मेरा तीसरा चैनल है जो मैं कर रही हूँ, फिर भी मुझे व्यूज नहीं आ रहे। मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है सिर्फ बातें करने का, मैं बस बातों में ही माहिर हूँ। ये इलीगल है, मुझे ये पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी मुझे ये पसंद ही नहीं आया।
क्यों हुआ तुमने तुम्हारे डॉग के पूछ को कलर किया क्यों? ओह दैट लुक सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर लग रहा है। ओह फिर से देखते हैं, मैं तो इसमें खो गई। वाह कितना सुंदर है, पर मैं सिर्फ फिर भी इसके खिलाफ, मैं इसके खिलाफ हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। ये क्या किया इसने? ओ वो बेबी कितनी क्यूट है। इसने कैसे किया होगा ये? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं लगाना तुझे। ये कैसे पॉसिबल है यार, मुझे जानना ये कैसे, इन्होंने ये कैसे किया? मुझे पता चल गया, इसका रिवर्स वीडियो बनाया गया, लाइक फास्ट फॉरवर्ड इट, एवरीथिंग इज फास्ट, इंग्लिश नहीं बोलने का, सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड है। इस वजह से फुगा फूल नहीं रहा है एक्चुअल में, फुगा एक्चुअल में गैस छोड़ रहा है। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे बोलूँ, मेरा हिंदी बहुत ही ज्यादा बेकार है। बस एक बात मैं आपको कह दूँ सर, वो फुगा आप कभी भी मत फोड़ना, बस मेरा इतना ही ख्वाहिश है आपसे कि वो फुगा कभी भी मत फोड़ना, अगर फोड़ना है तो बाहर जाके फोड़ना, वरना ना फोड़ना, बिकॉज बिल्कुल अच्छी स्मेल नहीं आएगी उसमें से। ओ ये तो लटके हुए, ये कैसे बनाते हैं? वाओ वाओ वाओ, इसके अंदर जा रहे हैं हम। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जी। ओ वो नज़ारा बहुत ही सुंदर था, ये कैसे बनाते हैं लोग? टिकटॉक में ऐसे भी लोग बैठे हैं जो ये टैलेंट लेके बैठे हैं। वाओ वाओ, सो प्राउड ऑफ यू मैन। ये कैसे किया होगा इसने? इसका लॉजिक मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास है प्लीज कमेंट डाउन एंड टेल मी। कितना सुंदर था वो, बनाता कैसे है यार ये? एंड मुझे कोई स्ट्रिंग या कुछ भी नहीं दिख रहा है, प्योर टैलेंट मैन, प्योर टैलेंट। बहुत ही सुंदर काम किया तुमने, बहुत ही सुंदर काम किया, तेरे बीवी का काम तूने बढ़ाया, बहुत सुंदर काम किया। अगर मैं तेरी बीवी होती ना, तेरे को डंडा लेके मारती। बाह स्प्रे कर, स्प्रे करो उसको, हाँ स्प्रे कर, बस उस यही करना है तेरे को, स्प्रे करता है। ये कैसे हुआ? इसने उठा लिया जैसे वो जम गया हो। ये स्प्रे क्या था? मुझे ये स्प्रे जानना है, मुझे ये स्प्रे चाहिए। मैं बहुत बार कॉफी गिराती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत गिराते, वही साफ करता। क्या है ये यार, ये कैसे किया तुमने? उसने बस स्प्रे मारा और कुछ नहीं किया और वो उठ गया। हर पत्नी के पास ये होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी गिर जाए डोंट वरी, स्प्रे मार दिया। अगर गलती से सब्जी गिर जाए, नहीं 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 पेपर टॉवल की जरूरत नहीं है हमें, हमें बस ये स्प्रे की जरूरत। सब्जी उठ गई, मुझे ये चाहिए अपनी जिंदगी में, बस मुझे अपने पति को बस इतना ही कहना है कि ये मेरे पास लेके आए, एंड ऑफ डिस्कशन। ओके दोस्तों इतना ही था आज के लिए, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, ताकि मुझे पता चले अगर मुझे और वीडियो बनाने चाहिए इस तरह के। और अगर आप लोगों को इंग्लिश वर्जन देखना है तो गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें लिंक डाली हुई है इन इंग्लिश। आई होप यू लाइक इट। नमस्ते, मैं आपको फिर मिलूंगी एक वीडियो के साथ, तब तक बाय।